हे गाइस, वेलकम बैक टू राजा नेट। तो गाइस, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही टॉप क्लास की एडिटिंग लाते रहेगा। और बाकी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैकग्राउंड और पीएनजी का, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और वहाँ पर इंस्टा आईडी का भी लिंक है, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और यार, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो चलिए, बिना देर के जल्दी अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से गाइस सिंपली आपने जाना है ऐड फोटो पे। और गाइस, ऐड फोटो पर जाने के बाद से आपने एक डस्ट की पीएनजी ले लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद से सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर कर देना है। और फिर ओपेसिटी कम करके आपने अबाउट 70% के आसपास इसको रख लेना है। फिर हमने इसको डन कर देना है। और डन करने के बाद से गाइस सिंपली हम अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे। और यहाँ ड्रॉ टूल में जाने के बाद से गाइस सिंपली आपने ऐड फोटो पर जाना है। और ऐड फोटो पर जाने के बाद से आपको मिलेगी एक ब्लैक स्प्लैश की पीएनजी, उसको ऐड कर लेना है। और गाइस, इसको ऐड करने के बाद से आपसे सिंपली एक कोने में ले जाना है यहाँ पे ऊपर से। और गाइस, इसको स्ट्रेच करते हुए फुल बैकग्राउंड पर कर देना है। और यहाँ पर गाइस फुल बैकग्राउंड पर करने के बाद से एक बार इसको कहीं साइड में टैप कर देना है। तो गाइस, अब सिंपली हम लेयर्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमने पीएनजी ऐड की थी उसका ब्लेंडिंग मोड हमें XOR कर देना है। और सिंपली गाइस बैकग्राउंड से इसको मर्ज कर देना है। बैकग्राउंड से मर्ज करने के बाद हम सिंपली गाइस एम्प्टी लेयर बनाएंगे। और एम्प्टी लेयर बनाने के बाद सिंपली गाइस हम ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर जाके गाइस हमें कोई नॉर्मल सा एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये बैकग्राउंड ले लिया, तो हम सिंपली इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको बड़ा कर लिया है, तो हम क्या करें, टैप कर देते हैं एक बार। और फिर गाइस, जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है उसको हम नीचे कर देंगे, अपने वाइट बैकग्राउंड के नीचे, ठीक। तो देखिए, ये हमारे नीचे कुछ इस तरह से हो गया। तो उसके बाद से क्या करना है, फिर आपने एम्प्टी लेयर बनानी है और ऐड फोटो पर जाना है। और ऐड फोटो पर जाने के बाद से आपने मॉडल की फ़ोटो को ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। तो आपने बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी एक और हम कॉपी बना लेते हैं। तो वैसे सिंपली कॉपी करने के बाद से आपने एक मॉडल को बैकग्राउंड के पीछे कर देना है और दूसरे मॉडल को बैकग्राउंड के ऊपर रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर वाले मॉडल पे जाना है और गाइस सिंपली इरेजर सेलेक्ट करना है। और इरेजर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली देखिए, हमारा हार्डनेस 0% करके रखा है, तो हम सिंपली इसमें हार्डनेस को फुल कर देते हैं पहले। और साइज़ को भी आपने फुल करके रखना है, तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। और फिर गाइस, जो हमारा ऊपर वाला मॉडल है उसको हम नीचे से इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, दोनों एकदम मैच हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारा मॉडल पहले से ही नीचे है और दूसरा ऊपर हो गया, तो एकदम परफेक्ट लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको परफेक्टली कर लिया, तो हम सिंपली इसको कर देंगे डन। और डन करने के बाद से हम सिंपली गाइस दोबारा से एक बार ड्रॉ टूल में चलते हैं। तो अब हम सिंपली यहाँ से ड्रॉ में जाते हैं अपने। और यहाँ पर गाइस हम अपने ड्रॉ टूल में आ गए हैं। तो हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आपको ऐड फोटो के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके साइज़ को गाइस आपने रखना है 10%। तो यहाँ पर हमने 10% रख लिया। फिर आपने ऐसा एक बना लेना है, तो हम यहाँ पर देखिए इसको बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर साइज़ कुछ आपने इस तरह से मेंटेन कर लेना है अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लिया है। फिर क्या करेंगे, साइड में टैप करेंगे और यहाँ पर इसकी कॉपी करेंगे हम। तो इसको हम एक और कॉपी बनाते हैं। और कॉपी बनाने के बाद से सिंपली उसको ट्रांसफॉर्म पर ले जाएंगे और थोड़ा इसको साइड में कर देंगे, हल्का सा साइड कर देंगे और उसको और थोड़ा सा दूर कर देते हैं। और फिर इसके बाद से इसको डन कर देंगे। और डन करके गाइज एक और इसकी कॉपी बनाएंगे, हमें तीन कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीसरे को भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हल्का सा एकदम साइड करेंगे, जैसे फ्रेम टाइप में ये तीनों हो जाएंगे। फिर गाइज तीनों को हम कर देंगे मर्ज। तो यहाँ पर हम तीनों को सिंपली मर्ज कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारे फ्रेम टाइप में हो गए हैं। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इरेजर पर जाएंगे, यहाँ पर लेयर्स पर जाते हैं और सिंपली इरेजर पर। एक और चीज़, आपने इसके ओपेसिटी को गाइज 50% रखनी है। और उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेना है, फिर इरेजर पे जाना है और यहाँ पर ब्रश को फुल साइज कर देना है। फिर मिक्स पे जाना है, यहाँ पे हार्डनेस को 1% कर देना है। फिर गाइस इसको नीचे से इसको हल्के हल्के इरेज कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको देखिए इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए, हमने इसको परफेक्टली कर लिया, तो हम यहाँ से इसको अब कर देंगे डन। और यहाँ से डन करने के बाद गाइस सिंपली चलेंगे ऐड फोटो पर। और ऐड फोटो पर जाने के बाद से हम एक टेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे म्यूज़िक पार्टी नाम की। तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक आपने बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। तो आपने सिंपली इसको बस ऐड कर लेना है।
और ऐड करने के बाद से सिंपली फिर से ऐड फोटो पर चलते हैं और एक और टेक्स्ट हमारा है तो गाइज उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमने इसको ऐड कर लिया है तो ये भी एकदम परफेक्टली हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से यहाँ से डन करेंगे और एक बार और ऐड फोटो पर चलते हैं। और ऐड फोटो पर जाने के बाद से आपने ले लेनी है एक फायर फ्लेम की PNG। तो ये हमने इसको ऐड कर लिया तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है और यहाँ पर लगाने के बाद से आपने इसका ब्लेंडिंग मोड डाल देना है स्क्रीन। तो देखिए ये हो गया और फिर इसको भी यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। और डन करने के बाद से सिंपली अब अपने ड्रॉ टूल में जाना है और यहाँ से गए अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है और सिंपली चलना है लाइट रूम में। सो गाइज यहाँ पर हमने फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया है। सिंपली यहाँ पर लाइट पर जाते हैं और यहाँ पर इस कंट्रास्ट को आप 20% इंक्रीज कर लेना और फिर हाईलाइट्स जो है इसको माइनस के 10% रख देना और ब्लैक्स जो हमारा है इसको रख देना है माइनस के 20%। फिर जाना है इसके बाद नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पर टेम्प को हम इंक्रीज करके 10% रख देते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट वाले टूल पे जाते हैं। और उसमें गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है टेक्सचर जो आप देखिए इसको फुल भी इंक्रीज कर सकते हो तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे 40%। फुल रखोगे तो भी सही लगेगा, 40 रखोगे तो भी सही लगेगा, तो हम यहाँ पर 40 रख देते हैं। और यहाँ पर फिर जाना है नीचे विग्नेट में, तो सॉरी डीहेज में जाना है, यहाँ पर इसको रख देना है माइनस के 5% और फिर चलना है विग्नेट में। इसको गाइस रखना है आपने माइनस के 20% और फिर नेक्स्ट टूल पे जाना है, यहाँ पर शार्पनिंग गाइस 25 और नॉइस रिडक्शन 22%। तो गाइस देखिए अब हमारी वीडियो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी।